हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना और उन टिप्स एंड ट्रिक्स, उनकी फंक्शनलिटी और उनकी यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारी एक्टिविटी ऑफ द डे है फिल लेफ्ट। ठीक है, तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं फिल लेफ्ट के लिए कि ये किस तरीके से क्या काम करता है। फिल लेफ्ट, नेम ऑफ एक्टिविटी फिल लेफ्ट है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें तो ये फिल द लेफ्ट साइड ऑफ द रेंज ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्टेड सेल। ठीक है, सिलेक्टेड सेल के आधार पर हमारी लेफ्ट साइड की जो रेंज हमने सेलेक्ट की है उसको फिल कर देता है। मेनू की जहां तक बात है, मेनू होम टैब में यहां पर फिल है, और फिल में ये लेफ्ट साइड हमें गिविन है कि लेफ्ट साइड को फिल करना है। ठीक है, मेनू शॉर्टकट इसी को हम लोगों ने बना दिया, ऑल्ट प्लस एच प्लस एफ आई और लेफ्ट के लिए एल। ऑल्ट एच का मतलब होम टैब, एफ आई का मतलब फिल और एल का मतलब लेफ्ट साइड। और लीगेसी फंक्शंस में इसी को, जो ओल्डर वर्जन्स में ये अवेलेबल था, ऑल्ट प्लस ई आई और एल, इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्टिविटी करती काम किस तरीके से। सपोज यहां पर हम लोगों ने कुछ नाम लिखा हेलो। ठीक है, और हम लोगों को लेफ्ट साइड वाली रेंज को फिल करना है, तो हम लोगों ने इसको इस तरीके सेलेक्ट किया, फिल में गए और लेफ्ट बटन प्रेस कर दिया, तो जो हम लोगों ने के सेलेक्टेड सेल में था उसने सभी रेंजेज में वही नाम फिल कर दिया, वही टेक्स्ट को फिल करके हमें दे दिया। सपोज दोबारा लिख करके देखते हैं एक्सेल लीडर। ठीक है, और रेंज को सेलेक्ट किया, और उसके बाद हम लोग मेनू शॉर्टकट को यूज करके देख रहे हैं किस तरीके से, ऑल्ट एच एफ आई और एल, तो इसने सभी सिलेक्टेड रेंज में एक्सेल लीडर को फिल कर दिया। दोबारा यहां पर देखते हैं, सपोज एक नाम है संजय और सभी सेल्स में हमें लेफ्ट साइड वालों में वो चाहिए, तो हम लोग अब थर्ड शॉर्टकट को यूज करके देख रहे हैं, ऑल्ट ई आई और एल को प्रेस किया, तो इस तरीके से इसने हमें सभी नाम में सभी सेल्स में संजय को फिल करके दे दिया। तो ये तो था टेस्ट या कॉन्टेस्ट कॉन्स्टेंट वैल्यूज को फिल करने का तरीका। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला हम पर भी काम करेगा। चलिए देखते हैं कि लाइक सपोज हमें यहाँ पर सभी की कमीशन कैलकुलेट करनी है, और 5500 बाई चांस हम इस सेल में थे और हम लोगों ने 10% कमीशन कैलकुलेट किया, इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट किया हम लोगों ने और केवल फिल में गए, फिल में जाकर के लेफ्ट साइड को प्रेस कर दिया, तो इसने सभी सेल्स की सैलरी या कमीशन हमें कैलकुलेट करके बता दिया। दोबारा देखते हैं कि अगर बाई चांस हमें टोटल चाहिए इनका, तो टोटल किस तरीके से काम करेगा, दिस प्लस दिस, टोटल आ गया हम लोगों के पास। अब ये हम लोगों को सभी सेल्स में कमीशन का, इनका कमीशन प्लस सैलरी का टोटल चाहिए, तो हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, ऑल्ट एच एफ आई और एल लेफ्ट साइड। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।